टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीईटी, जैसे बिहार का टेट होता है तो उसमें जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है उसके एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, इसकी कौन फॉर्म भर सकता है। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस से जुड़ी वीडियो रेगुलरली आती रहती है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के नोट्स चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, तो स्क्रीन पर देख सकते हैं ये ऑफिशियल एलिजिबिलिटी है। तो कंप्यूटर साइंस विषय की है, तो इसमें एलिजिबल है ए लेवल फ्रॉम डोएक एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है। और बी बी टेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बी बी टेक एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एम एस सी कंप्यूटर साइंस एम सी ए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बी एस सी कंप्यूटर साइंस और बी सी ए और इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे अगर आपने किसी और सब्जेक्ट में डिग्री की हुई है, लेकिन उसके साथ साथ आपने उसके बाद में कंप्यूटर का हायर डिप्लोमा किया हुआ है या फिर कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने कंप्यूटर की डिग्री की है तो आप फिर पूरे एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने बाई चांस कंप्यूटर की डिग्री नहीं की है शुरू में अंडर ग्रेजुएट में, और लेकिन आपने बाद में कंप्यूटर साइंस का हायर डिप्लोमा किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हैं इसमें। और डोएक वाले तो एलिजिबल हैं ही, और साथ ही साथ इसमें जैसे एम सी ए वाले भी पूरे एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल एलिजिबिलिटी है और इसके फॉर्म की लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी दे दी जाएगी। और जिनका जैसे एस्टेट में या फिर बाकी एग्जाम में नहीं हुआ, तो वो इस एग्ज़ाम की वो तैयारी कर सकता है। कंप्यूटर साइंस के नोट आपको डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।